तो YouTube वर्सेस TikTok की लड़ाई के बाद हुआ ऐसा कि TikTok के ऐप को बहुत ही ज़्यादा हेट मिली, उनके ऐप पे बहुत ही ज़्यादा जो रेटिंग थी वो गिर चुकी थी, 1.2 स्टार तक रेटिंग गिर चुकी थी, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप अपना प्ले स्टोर खोलकर देखोगे तो 1.2 स्टार की रेटिंग जो है वो वापस से रीस्टोर हो चुकी है 4.4 स्टार तक। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे हो गई, क्या गूगल को TikTok ने खरीद लिया पैसे देकर अपने रेटिंग को ठीक करवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा हुआ तो आखिर हुआ क्यों और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो जिन लोगों को भी स्टोरी का बैकग्राउंड नहीं पता भाई, तो थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, पूरा चीज़ तो मैं नहीं समझा पाऊंगा जल्दी से। तो हुआ क्या भाई, थोड़े वक्त यूट्यूबर्स हैं उनके बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो गई यूट्यूबर से टिकटॉक, ये सब चला। फिर एक टिकटॉकर था आमिर सिद्दीकी, उसने वीडियो बना डाला जिसमें वो यही सारी बातें बोलता है। तो फिर हुआ क्या कि कैरी भाई ने इस आमिर सिद्दीकी के ऊपर एक पूरा रोस्ट वीडियो बना डाला, खूब अच्छे से बेइज्जती करी टिकटॉकर की, ठीक है। इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक है, वो आप देख सकते हो। खैर, तो उन्होंने ये वीडियो बना डाला, उसके बाद हुआ क्या कि भाई टिकटॉक को बहुत ही ज़्यादा, टिकटॉक और टिकटॉकर्स को दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लग गया, ठीक है। और अगर आपको कितना हेट मिलने लगा वो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर फैजू को आप जानते होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते तो अच्छी बात है, अगर आप जानते हैं तो भी ठीक बात है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, आप जाओ कोई भी उनका फोटो खोल लो इंस्टाग्राम का, अगर आपको कोई भी नई गाली सीखनी है तो बस आप उनके कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। एक बार अगर आप उनका कमेंट सेक्शन पूरा पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने PhD कर लिए गाली में। अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हेट मिलने लगी टिकटॉकर्स को, साथ ही साथ टिकटॉक को भी बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लगा भाई। लोग उसको रेट करने लगे, 1 स्टार रेटिंग लोग देने लगे, जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया था वो लोग इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके फिर रेटिंग करने लग गए। तो हुआ क्या कि टिकटॉक की रेटिंग भाई बहुत ही ज़्यादा गिर गई, ठीक है। 4.4 कुछ थी पहले, लेकिन इस ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई इसके बाद 1.2 तक आ गई, ठीक है। तो जितनी भी जनता थी उन सब ने औकात दिखा दी टिकटॉकर्स की और टिकटॉक की। तो हुआ क्या कि जब रेटिंग गिर गई, 8 मिलियन नए रिव्यूज़ आ चुके थे, ठीक है। अब अचानक से क्या होता है कि वो 1.2 की जो रेटिंग थी वो रीस्टोर हो जाती है 4.4 में। अगर अभी आप अपना जो प्ले स्टोर खोल के देखेंगे तो आपकी 4.4 की रेटिंग वो दिखाएगा इंस्टेड 1.2 की, लेकिन 1.2 तक की तो गिरी गई थी। तो एक बात और लोग बोल रहे हैं मेरे से कि भाई पहले जो 1.2 की जब रेटिंग पहुंच गई थी तो 8 मिलियन नए रिव्यूज आ गए थे, ठीक है, 28 मिलियन टोटल रिव्यूज हो गए थे। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो 20 मिलियन है, तो 8 मिलियन गए कहां भाई, ये डिलीट किसने कर दिए, क्यों डिलीट कर दिए, उसकी मैं बात करता हूँ। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकटॉक ने पैसे दे दिए गूगल को या ऐसा कुछ हुआ, गूगल की एक पॉलिसी है गूगल की, ठीक है, उसमें यही स्टेट हुआ है कि कोई भी स्पैम अगर रेट किया जाएगा किसी एप्लीकेशन को या फिर कोई भी स्पैम रिव्यूज़ आएंगे तो उसको गूगल बड़ी ही आसानी से रिमूव कर सकता है। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ, टिकटॉक भाई एक बहुत ही पुरानी एप्लीकेशन है, बहुत समय से प्ले स्टोर पर है, 2-3 दिन में उसकी रेटिंग तुमने 4.5 से 1 तक गिरा दी, तो सिंपल सी बात है यार, शक जाएगा कि इतने महीने से तो ये ऐप ढंग से चल रहा था, 1 महीने में एकदम से क्या हो गया कि तड़ाक से नीचे आ गई रैंकिंग, रेटिंग जो थी उसकी एकदम से नीचे आ गई। तो ये एक स्पैम का साइन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ स्पैमिंग हुई है जिसकी वजह से नीचे आई है। दूसरी चीज़ एक और हुई है कि भाई देखो, कॉमेंट्स जो लेजिट कॉमेंट्स होते हैं ना वो नहीं करे लोगों ने 1 स्टार की रेटिंग दे दी, ठीक है भाई, अपना प्यार दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए, मैं बोलना चाहूँगा, वो लोग गाली वगैरह लिखने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो उससे हुआ क्या भाई, ये सारी चीज़ अलाउड नहीं है दोस्त, इंटरनेट की दुनिया में पहले ही बता दूँ। अगर आप चाहते थे 1 स्टार की रेटिंग देना तो आप कर क्या सकते थे, उनको प्यार से 1 स्टार की रेटिंग देकर कुछ ऐसा लिख सकते थे कि ऐप क्रैश हो गई या कुछ भी फलाना ढिमकाना, लेकिन आप तो कैरी मिनाटी जिंदाबाद आमिर सिंदगी, आप ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी लिख रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। तो रेटिंग जो 8 मिलियन रिव्यूज़ थे गूगल ने इस वजह से उड़ा दिए कि क्योंकि वो स्पैम थे, ठीक है, वो स्पैम थे। टिकटॉक ने कोई पैसे नहीं दिए गूगल को, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, ठीक है, 17 दिसंबर का आर्टिकल है ये, 2018 का, जब गूगल ने सेम चीज़ करी थी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है भाई कि कोई भी स्पैमिंग वगैरह होती है तो उसको गूगल रिमूव कर देता है। और मैं जितने भी कैरी भाई के फैंस मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई कि आप ऐसे बिल्कुल बावरे मत बन जाओ, ठीक है,
करो क्या, प्यार से जाओ, प्यार से 1 स्टार की रेटिंग दे सकते हो यार, प्यार से अनइंस्टॉल कर सकते हो, गाली देने की जरूरत नहीं होती है हर बार। गाली कैरी भाई ने दे दी थी ना ऑलरेडी जितनी देनी थी, अब आपको क्या जरूरत है उसमें और ज्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और पसंद आ गया अभी कभी लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।